हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, आज का मौसम जो है बहुत ही अच्छा है और धूप जो है निखर के आज निकली है सुबह से, और अभी दोपहर का टाइम है। आप देख सकते हैं कुछ जगहों पे जो है छांव गिरी है और कुछ जगहों पे सूरज की जो है किरणें अभी भी बहुत तेज है। तो देखिए वहाँ दूर बादल, कितना सुंदर जो है नज़ारा है यहाँ से। तो आज मैं आप लोगों से कुछ मेरे पोथोस के प्लांट है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास कौन से वैरायटी के प्लांट है पोथोस के, ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों, 4-5 कलेक्शंस है मेरे पास। तो मैं एक एक करके आप लोगों से जो है उनके बारे में मैं बताती हुई जाऊँगी। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है एंजॉयज पोथोस। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लांट है, ये मनी प्लांट की ही वैरायटी है। आजकल मनी प्लांट की बहुत सारी वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो हमारे यहाँ जितने कलेक्शंस थे मैंने सारे एक एक करके कलेक्ट किए हैं। ये एंजॉय पोथोस है, देखिए ये नए नए लीव्स जो है निकल के आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लुक्स देता है। आप इन्हें कहीं पर भी रख सकते हो, आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या आप इन्हें ऊपर की ओर ट्रेल भी करा सकते हैं इनको। ये बहुत अच्छा एक लुक्स देता है हमारे गार्डन को और बिल्कुल ब्राइट लगते हैं। आप इनको किसी भी कॉर्नर में रखिए, उस कॉर्नर को ही ये जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर देता है। इनके वेरिएशन के कारण देखिए कितना प्यारा है इनके पत्तों के जो है वेरिएशन। तो इनको जो है शेड में ही आप रखें, धूप की जो है थोड़ी सी भी तेज़ धूप इनके जो देखिए पत्तों को इस तरह से बर्न कर देते हैं। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है पोथोस के केयर में। तो नेक्स्ट प्लांट है मेरा ये नियोन पोथोस। देखिए ये नियोन पोथोस है, इनके कलर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही लाइट कलर के, बिल्कुल लेमन ग्रीन कलर में होते हैं इनके कलर देखिए। और इनको भी हम किसी भी जगह में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या किसी कंटेनर में लगा सकते हैं। ये बहुत ही एक छोटे गमले में लगा है, बिल्कुल ही छोटा गमला है देखिए, और इसी में इनकी ग्रोथ है। और सबसे स्पेशल वाली बात मैं आपको बताऊंगी, देखिए मैंने यहाँ सिर्फ रेत में इनको लगाया है, कुछ बाकी कुछ फर्टिलाइज़र नहीं है। देखिए बिल्कुल भुरभुरी रेत में भी ये चल पड़े हैं और बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि रेत में भी ये प्लांट कुछ नहीं डाले आप इनमें, बस ये ग्रोथ अपनी पकड़ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रेत, खाली सिंपल सा जो रेत होता है उसी में मैंने इनकी छोटी सी कटिंग लगाई थी। और देखिए थोड़ी थोड़ी धूप के कारण इनके पत्ते जो है बर्न हुए हैं। तो ये है नियोन पोथोस, आप इनको बिल्कुल छाएदार जगहों में रखें ताकि इनके कलर के जो बहुत प्यारे कलर है ये हमेशा ये प्लांट पे बने रहें। तो ये है नियोन पोथोस। थर्ड पे ये भी एक पोथोस की वैरायटी है जिनके पत्ते देखिए बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे साइज़ के होते हैं और इनके कलर बिल्कुल ही डार्क ग्रीन होते हैं और इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। ये भी मैं अपने दोस्त के वहाँ से लाई थी, देखिए कितना अच्छा जो है नीचे की ओर ये ट्रेल कर रहे हैं। और कुछ कुछ पत्ते देखिए कीड़ों ने खा दिए हैं, बारिश में तो बहुत ज़्यादा कीड़े होते ही है दोस्तों, ये बहुत सारे जगहों पे जो है उन्होंने होल बना दिया है और मेरे पत्तों को डैमेज कर दिया है। तो देखिए ये है ग्रीन वाले पोथोस, बहुत ही अच्छा लगते हैं दिखने में, देखिए कितना अच्छा लुक्स देता है। तो आप इनको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। और नंबर फोर्थ पे मैंने रखा है ये मार्बल पोथोस को। देखिए ये इनके वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, देखिए कितना प्यारा है इनका जो है वेरिएशन। मुझे पर्सनली ये कलर और इनके जो है वेरिएशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे पोथोस जितने भी मैंने दिखाए सारे पोथोस को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये है मार्बल पोथोस, मैंने इनको जो है हैंगिंग बास्केट में लगाया था तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। लास्ट जो प्लांट है ये तो कॉमन वाले मनी प्लांट है, तो ये मैंने घर के अंदर रखा है इसलिए आपको वीडियो थोड़ा डार्क लग रहा होगा। और ये कॉमन वाले मनी प्लांट हैं, इनके भी वेरिएशन काफ़ी अच्छे होते हैं, देखिए
बीच बीच में से कुछ पत्ते बिल्कुल ही जिनमें कुछ वेरिएशन नहीं होता है, और कुछ कुछ पत्तों में देखिए तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा लगता है। और इनको देखिए मैंने एक स्टैंड पे रखा है, और इस तरह से ये जो है बिल्कुल ज़मीन की ओर जो है ट्रेल कर रहा है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से पौधों से अपने घर को सजा सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में आप रखें या आप इन्हें पानी में रखें और किसी भी सॉइल में आप इनको लगाएं, सारे सॉइल में जो है ये टिक जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट के थ्रू मुझे बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखें। यही कहते हुए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।